नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज है बुधवार, तो आज के दिन बुध ग्रह से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं उनके द्वारा यदि आप उपाय करते हैं तो आपका जो बुध है वो मजबूत बनता है। जिस व्यक्ति का दोस्तों बुध मजबूत होगा वो वाक चातुर्य में जबरदस्त होगा, बुद्धिमान होगा, कभी भूखा नहीं मरेगा क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत तीव्र चलती है। नौकरी में, धंधे में, वैसे बुध प्रधान व्यक्ति नौकरी करना कम ही पसंद करते हैं, खुद का बिजनेस डालते हैं, धंधा खुद का डालेंगे और उसमें आगे निकलते हैं और उन्हें सफलता भी बहुत ज़बरदस्त रूप से मिलती है। तो आज दोस्तों मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ वो बुध से जुड़ा हुआ है। यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी तमाम वीडियो रोजाना एक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी और तमाम प्रकार का ज्ञान आप तक पहुंचता रहेगा, आप ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर जरूर करें। घर बैठे अच्छी जानकारियों को शेयर करने से बहुत ज़बरदस्त पुण्य मिलता है, तो घर बैठे कर लेने वाला पुण्य का काम है, जरूर करें। दोस्तों, तमाम चीज़ों की तरह हींग भी एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है। किचन के अंदर हींग होती ही होती है, बराबर। हींग दोस्तों स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है, पेट के लिए बहुत अच्छी है। पेट ऐसी जगह है इंसान का जहाँ से उसको तमाम प्रकार के रोग उसके शरीर में आ जाते हैं। जिस व्यक्ति का पेट अच्छा रहता है उस व्यक्ति के लाइफ में रोग बहुत कम प्रमाण में होते हैं या नहीवत जैसे होते हैं। तमाम रोगों की जड़ इंसान का पेट ही होता है और उसको कंट्रोल में रख सकती है हींग। जिन लोगों को दोस्तों पेट की तकलीफ रहती हो वो लोग हमेशा सोते समय अपनी नाभि के ऊपर हींग जरूर लगाएं, एंड स्पेशली जिनके बुध कमजोर हैं वो तो जरूर सोते समय हींग थोड़ा सा पानी में घोल करके नाभि पर लगा करके सोना पसंद करेंगे। यदि आप तो बुध आपके मजबूत बनते हैं, बुध से जुड़े हुए जो भी तकलीफें हैं वो तमाम तकलीफें आपकी दूर होती हैं, आप एक मजबूत पर्सन की तरह आगे आते हैं और लाइफ में आपको सफलता मिलने लग जाती है। दोस्तों, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे नेगेटिविटी घेर रही है, मेरे साथ कोई नेगेटिव शक्तियां हैं जो मुझे अपने काम में सफल नहीं होने दे रही हैं, रोज पेट में दर्द रहता है, मैं बीमार रहता हूँ, अंदर से बेचैनी रहती है, वे लोग संध्या समय 3 कुल्ला हींग के पानी का जरूर करें। मतलब पानी में थोड़ी हींग मिला लें और 3 बार उससे कुल्ला करें। ऐसा करने से बॉडी के अंदर यदि कोई नेगेटिविटी है तो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। जब आप कोई अच्छे कपड़े पहन करके कहीं जा रहे हैं, कहीं आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई शायद नज़र लगी होगी या कहीं से कोई नेगेटिव चीज़ आपकी बॉडी में एंटर हुई है, तो आप अपने बॉडी पर थोड़ी सी हींग जरूर लगा लें और उसके बाद ही आप जाएं कहीं पर भी आपको जाना है। एंड स्पेशली बालों में यदि आप थोड़ी सी हींग लगा लेते हैं तो किसी की भी नज़र वगैरह आपको नहीं लगती है, उससे भी आपकी रक्षा हो जाती है। रास्ते में भी कोई नेगेटिव चीज़ यदि आपका पीछा करना चाहती है तो हींग की वजह से वो आपका पीछा नहीं कर पाती है। दोस्तों, बुधवार के दिन आप घर से बाहर जा रहे हैं किसी स्पेशल काम के लिए, वो काम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो रुमाल में एक चुटकी हींग रख लें और रुमाल को फोल्ड करें, अपनी जेब में रख लें। उसके बाद आप काम, अब जो भी आपका काम हो उस काम के लिए आप घर से निकलें। आप देखेंगे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। जब आप वापस आ जाते हैं तब आप उस हींग को उत्तर दिशा की तरफ डाल दें। हींग दोस्तों एक चुटकी आप अपने हाथ में लें। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको नज़र लग गई है संध्या समय, एंड बुधवार का दिन है, अगर वो बहुत बढ़िया रहेगा, एक चुटकी हींग ले, नज़र लगे व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उबारें संध्या समय और उसको रख करके जला दें। जो भस्म है उसे आप बाहर फेंक दें। कैसी भी नज़र होगी बहुत जल्दी उतर जाएगी। और ये तमाम उपाय जो हींग से जुड़े हुए हैं यदि उनको आप बुधवार के दिन करते हैं तो समझिए आपकी किस्मत में 4 चांद लग जाएंगे, कदम कदम पर आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी।
तो जरूर दोस्तों इन छोटे छोटे उपायों को करें, जिंदगी चमक जाती है। करके देखिए, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।